चेतन का चेतन नहीं हो चेतन का नाम लिया इसीलिए और कुछ नहीं। कितना हुआ था? 89,000। तो खाली 2,000 कम किया था। अरे उससे ज्यादा मैंने कम किया तो उसमें क्या किसी लड़के ने बोली भी आप बोलने की गाइस श्रीमान ने बोला था गाइस जा सो डूड तुम्हाला विचार पडला असेल मी कुठे झालोय। सो मी चालू आहे पीसी बिल्ड करायला। बाय द वे हायवे मुंबई पुणे एक्सप्रेस हायवे आणि तुम्हाला एक आयडिया दाखवू व्हिडिओ साठी काय घेतले। आता मला लाईक शेअर कमेंट पाहिजे 100% एवढी मध्ये। हे बघा डूड कॅमेरा लिया सोनी का खाली बीरोल के लिए। सो एकदम तगडे बीरोल आएंगे इसमें। सो शूट करेंगे वहीं पे जाके। बाय द वे यहाँ से अभी निकल चुके लगभग हमें आधा घंटा से ऊपर लगेगा पहुंचने में। बाकी अपडेट आपको आगे देता हूँ क्योंकि आगे हमारा दोस्त रुका हुआ है रिस के इधर। सो उसको पिकअप कर लेंगे वहां से। और दो दोस्त रुके ओके। सो वहां से उसको पिकअप करके आगे बढ़ेंगे। ओके बूम गाइस अभी अभी एक फनी थिंग पता चली है कि हमारे दोस्त को लेना था वहाँ पे दो रुके थे उनको छोड़ के हम आगे आ चुके हाईवे पे। सो भाई क्या बंदा गाड़ी चला रहा है भाई सर तुमको नहीं इतनी धुंधी में चला रहा है कि आगे लेके गया सीधा। सो उनको अभी लेने के लिए पीछे जाना पड़ेगा फिर से। बहुत तगड़ा सीन हो चुका है। अरे छोटू फाइनली आला है मला पूर्ण कालक वाटतोय कुठे बघ भाई कुठलं अपर्चर नसेल अभि तू ग्लासेस मुला का तगड़ी ही रहने वाली गिम्बल की भी बताओ। और ये पीछे का भी यूट्यूबर है गाइस आपको पता होगा प्रथमेश मालकर। प्रथमेश का होता प्रथमेश मालकर ना आर्ट वर्ग ना काहीतरी आर्ट वर्ग नहीं आर्टिस्ट है गाइस स्केच बनाते हैं बहुत तगड़े वाले खतरनाक। हा शहरातून भिवंडी नाशिकला जाणार गाड्या पूर्णपणे बंद ट्राफिक आपले तना म्हणून नाही ट्राफिक होत तलोद्याला पण बघितलं ना कशा अडवतात ब्रेक लावा लागतो काय तो लगेच त्याला बोलवत ना पोलीस का आला जास्त वळकी आहेत ना म्हणून आमची गाडी सोडली। दूर 7 किलोमीटर में पनवेल उसके बाद आगे का कुठे गाइस सिग्नल लागलाय तो कुठे थांबवशील बघ गाइस सिग्नल लागलाय आणि इथे येते मित्र माझी गाडी गेली। सो त्याचाच वेट करतोय बाय द व्ह्यू मला एवढा क्लियर येते ना फोन मध्ये आता कुठे थांबवलं मध्ये व्ह्यूज बघत बसून वाटतंय तो कुठे थांबायचं पेट्रोल पंप पडतं डूड। फाइनली पनवेल के अंदर आ चुके हैं। बीरोल के लिए सोनी का कैम साथ में कैरी किया है और सारे वहाँ पे गए स्क्रीन के लिए और पनवेल पे आ चुके हैं। मैं उनका मतलब दोस्त आ रहा है हमारा तो उसको पिकअप करने के लिए टाइम डूड पनवेल में ब्लॉक सेट कर रहा हूँ। सो यहाँ पे चल रहा है जूस पी रहे बाय द वे गाइस सो जूस गया था डॉक्टर। सो डूड पनवेल में आ चुके हैं गाड़ी यहीं पर पार्क की है बैकअप के लिए लिया है बीरोल के लिए सोनी का कैम और गाड़ी यहीं पे पार्क किए हुए। सो उसका वेट कर रहे हैं दोस्त का वो आ रहा है उस जब आएगा तब उसको भी लेके चलेंगे। सो वही गाइस यहाँ से अभी सीधा निकलना है मैं वाशी के लिए क्योंकि पीसी बिल्ड करना है ना वही देखते हैं। भाई देव बंदे लोग बहुत देख रहे हैं मेरे को और मेरे को ज़्यादा मोटिवेशन आ रहा है उसकी वजह से और मज़ा आ कसा वाटते फाइनल क्या हाल है वाइप कशी येते पीसी वेळ घ्यायचा आहे भावाला तर
पीसी मध्ये आणि जग आपण वाट आतुरतेची वाट बघत आहोत पीसी बिल्डिंगची. फायनली आलोच, 5:30 वाजलेत आणि गाडी पार्क करतोय आपण. सो आपल्याला एचपी वर्ल्ड मध्ये जायचंय. सो बघू बुम अरे डूड, एचपी वर्ल्ड मध्ये नाही एक आयडिया माहित असेल. ओके, गिम्बल कॅरी करतो. सो पॅकअप करतो आणि भेटतो तुम्हाला, बाय. ओके बुम डूड, जैसे तैसे करके गाड़ी पार्क हो चुकी है और हमें जाना है टेक में जाए ना रे. यस यस ब्रो. सो गाइस, हमें टेक में जाना है. आधे बंदे आगे की साइड जा चुके हैं. सो हम चलते हैं वहीं पे और सोनी का कैम कैरी किया है बीरोल के लिए. सो आगे की साइड चलते. बाय द वे, वाशी प्लाजा. ओके, सो मैं बीच में कुछ शॉट लेने वाला था लेकिन ले नहीं पाया क्योंकि मैं बीच में सो गया था. सो अभी ये बोल रहा था कि यार ब्लॉग शूट करने के लिए आए, सोने के लिए आए. तो तब मैंने कैमरा निकाला और देखा यार शूट करना है. सो निकल लेते वही. अब मेरे को बहुत भारी भारी लग रहा था क्योंकि सोनी का जो कैम है वो इसमें था और मेरे मम्मी ये वाला बैग भी कैरी किया है. इस वजह से मैंने सोचा यार दो दो कैरी करना बहुत भारी भारी सा लग रहा है. अब हल्का लग रहा है जाके. सो वही भाई, इतने बंदे देख रहे हैं ना भाई, बहुत मोटिवेशन आ रहा है. डर नहीं लग रहा, मोटिवेशन आ रहा है मेरे को. ओ भाई, ग्राफिक कार्ड देखो, अपना पीसी भी यहीं पे बिल्ड करने आना चाहिए था. श्रीमान लेजेंड भी यहीं पे आता है. सो भाई पीसी तो चलते चलते. ओ भाई, अपने नसीब में कब आएगी ऐसी गाड़ी. सो गाइस, टेक आइडिया. सो यहीं पे, सो अंदर की साइड चेकआउट करते हैं. डूड जो दिखाई थे वही. Ryzen 5, ये कौन सा वाला है? Ryzen 5 5000. ये Max series है. सो डूड, आपको Samsung का तो आर्टिक Samsung का थोड़ी है यार. और जो ये वाला बताया तो 3600. सो 10,000 का आ रहा है भाई. ये तगड़ा तो है, फ्यूचर प्रूफ में ज्यादा है इसमें. शायद बोला था ना मैं 30-50 से कितने बोलता है? प्राइस कम रहता तो भी क्या होगा, जैसे कि देखो मैं भी अमेज़न बेच रहा हूँ, आप मेरे से देख के आपको 30-50. नहीं, मैं तेरे इधर से लेके. नहीं, मैं बोला 30-50 आपको चाहिए. अभी आप बोलोगे यार मैं खोल के लगाऊंगा, बोलोगे यार 30-60 का बजट. देखो 30-50 नहीं, 30-60 गाइस, 30-50 में निकल के बॉक्स में से 30-60 भेजूंगा. ये रेट चल रहा है, अभी ओपन हो गया. 30-50 की अमेज़न में डाल दूंगा मार्केट में. सुनो ना, इसमें एंड स्पोर्ट का ही है क्या? 600-620 स्पोर्ट का है, बाकी सब तो 650. कॉर्सर का नहीं गया? 650 का रहता है ना कॉर्सर का. वीएस करके वीएस सीरीज रहती है ना. 650 और 550 सीवी 650 यार. हाँ वही 550 650 450 वाला था. ब्रॉन्ज में है क्या? इसमें सिल्वर प्लेटिनम में कुछ रहता है ना रेटिंग की. इसमें और उसमें डिफरेंस कितना है प्राइस? प्राइस में ज्यादा डिफरेंस कितना दे? वो 5800 का आता है और 3200 का आता है. हां, पण चालतो. ठीक है, तो वाला की त्याने सपोर्ट करते, तू भविष्यात वाढू शकतो. हां, मग तेच आपलं मदरबोर्ड तसा घेतला. इसमें 8-8 के 4 लगाना है, 16-16 के 4 लगाना लगेगा. इसमें 4 दो एलजी अल्ट्रा गेयर MQ.
5500 ओके 8 GB की रैम 3200 MHz वाली MMI 512 GB RTX GeForce RTX 3050 600 W के PSU ले रहे और B450 MD मदरबोर्ड ओके इसमें कुछ अपडेट करना है क्या और कुछ नहीं स्क्रीन का सो मॉनिटर दिखाओ यार तू तू का विचार है सांग वाला आई शपथ वाह माझी पण हीच चॉईस आहे स्पोर्ट आहे 510 इयर अल्ट्रा त्याला भाई पूर्ण आहे ना डायरेक्ट आणि बाबा आपण मस्त आहे तो एनटेकचा काढतो का बाहेर एनटेकचा दाखव हा काढू शकतो असं काय नाही विचार ते ना बाहेर काढ हे बघ ग्लास वाला आहे का बाहेर काढ असती काढतो एक मिनिट इकडे अमित बघ हा कमी फॉर्म फॅक्टर मध्ये येईल तुझा टेबल टेबलच्या आत मी ठेवणार असलं तर मग RGB बघू RGB घातलाय मग शो ऑफ करा पाहिजे थोडी तरी तसे दाखवायला पाहिजे ना मित्र हे फुल फॅक्टर फुल फॉर्म फॅक्टर मध्ये येईल अमित टावर आहे बघ उलटावर या जसे तसे करके इन्होने दो कॅबिनेट दिखाए एक 360 दिखाए और 550 दिखाए 510 दिखाए सर 510 ही लेना सो 510 डन हो गया गाइस ये वाला क्यों कैंसिल किया उसके पीछे रीजन है उसका उसका फॉर्म फैक्टर कम है कूलर मास्टर था कूलर मास्टर क्या आपके पास कूलर मास्टर का 510 होता है वो वाला ये 510 कूलर मास्टर का ही है चांगला है ना सकाळी तुला पाठवलं तर कोणता होता MB ना MD नाही कूलर मास्टर MB 510 और बड़ा वाला ना जंकर जैसा रहता है फुल टावर वो नहीं है MP MB अभी CMP आता है CMP फाइटर ये जो ये है GAMDS का नहीं नहीं सो एयर वेंटिलेशन चांगला पाहिजे आई बाय 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 देखो माइनर सा डिफरेंस रहता है कूलिंग में कैबिनेट का कोई इतना बड़ा रोल नहीं खाली कैबिनेट टशन मारने के लिए लेते आपसे बात हुई क्या चेतन भाई की काही श्रीमानला बोलला होता काही जा कितना हुआ था 89 तो उसी ज्यादा मैंने कम किया घंटा लगेगा तो थाने के लिए जाएंगे यहाँ पे गाड़ी नीचे बहुत तगड़ी वाली फोटो खींच रहे हो।